बनी, उसके बाद ये बनी, उसके बाद ये बनी, उसके बाद में ये बनी, ये एक नंबर पे, पर मैच्योर कौन सी होगी टॉप पार्ट की, मैच्योर कौन सी होगी टॉप पार्ट पे, जो सबसे लास्ट में बनी वो सबसे पहले मैच्योर होगी, और जैसे ही वो सबसे पहले मैच्योर होगी तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये यहाँ से कट हो जाएगी, ये मैच्योर हुई और रिमूव। इसमें पहले सारी बनेंगी, उसके बाद सब मैच्योर होंगी और फिर यहाँ से टूटेंगी, इस भाग से टूटेंगी। अब इस भाग से टूटने से एक और चेंजेज है कि इस भाग के टूटने से बाकी और सारी जो कॉनिडियल चैन है वो भी क्या हो जाएगी, क्लेमाइडोस्पोर की चैन वो भी रिमूव हो जाएगी। तो इसका नाम होता है एक्रोपिटल, ये होती हैं बेसिपिटल, ये होती हैं एक्रोपिटल, यानी कि बेसल पार्ट, जो पार्ट होता है उसमें बेसिपिटल टाइप की सेक्वेंस होती है, यानी जो सबसे पहले बनी वो सबसे पहले मैच्योर होगी, और इसमें जो सबसे लास्ट पे बनी वो सबसे पहले मैच्योर होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, क्लेमाइडोस्पोर टाइप्स का कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो क्लेमाइडियम होती है उस क्लेमाइडियम के अपेक्स पार्ट के ऊपर इस क्लेमाइडियम के अपेक्स पार्ट के ऊपर स्पोर बनना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ये स्पोर बनते हैं ये मैच्योर होंगे और क्या होते चले जाएंगे, सेपरेट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये सेपरेट होते जाएंगे वैसे वैसे ये अनुकूल परिस्थितियाँ जो ही आएंगी तो ये क्या करेंगे, ये अपना जर्मिनेशन शुरू कर देंगे और वापस क्या बना देंगे, अपना माइसीलियम का जाल बना देंगे। ये हुआ फोर्थ नंबर। अब अपन बात करते हैं फाइव नंबर की। नंबर फाइव, ऑर्थ्रो स्पोर, क्या बनते हैं, ऑर्थ्रो स्पोर बनते हैं। तो ऑर्थ्रो स्पोर और क्लेमाइडो स्पोर दोनों में एक चेंज है। इसमें भी क्या होते हैं, इस तरीके से एक क्या बनती चली जाती है, इनकी चैन और इसके अंदर क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस और इनके स्पोर। जैसे परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और इन न्यूक्लियस के कारण ये क्या हो जाते हैं, इनकी चारों तरफ ये वॉल और ज़्यादा थिक बन जाती है, और थिक बनने के कारण इनके चारों तरफ प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बन जाती है, और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बनती है तब तक अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में ये वापस सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक जो फंजाई है उसके अंदर पांच प्रकार से कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल, अलैंगिक, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेकंड पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। फंजाई जो होती है इनके अंदर अलैंगिक जनन मैन रूप से तीन प्रकार से होता है। एक तो बनते हैं उसके अंदर जूस्पोर, एक उसके अंदर बनते हैं ए प्लैनोस्पोर, जूस्पोर, ए प्लैनोस्पोर, और एक बनते हैं स्पोरेंजियम। एक बनती है इसके अंदर स्पोरेंजियम, नाम है जूस्पोर, जो माने
जंतुओं की जैसे चलने वाले स्पोर, इसका मतलब ये जूस्पोर कैसे पादपों में, कैसी फंजाई में बनेंगे, जलीय फंजाई में बनेंगे। जो फंजाई किस में पाई जाती है, जल में पाई जाती है, उस फंजाई के अंदर ये बनेंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जूस्पोर जिस फंजाई में बनेंगे उनके अंदर चलने के लिए क्या पाई जाएंगी, फ्लैजिला क्या प्रेजेंट होंगी चलने के लिए, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। ये फ्लैजिला स्मूथ भी हो सकती हैं और रफ भी हो सकती हैं। नाम है ए प्लेनोस्पोर। कैसे स्पोर होंगे, प्लेन स्पोर होंगे, जो किसी के चलने के लिए कोई मूवमेंट जैसी संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाएंगी। और स्पोरिंजियोफोर किस पे बनेंगे, स्पोरिंजिया पर बनेंगे, जिसके अंदर केवल स्पोर का डेवलपमेंट होगा। और ये तीनों कौन से टाइप के हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। अब अपन चलते हैं मेन पॉइंट जूस्पोर पे। जूस्पोर इसी को समझा देती हूँ यहीं से। जैसे ये बनाया मैंने एक स्पोर, इस पर मैंने ये लगा दी फ्लैजिला, ये बनाया मैंने एक और स्पोर, इस पर ये लगा दी मैंने फ्लैजिला। इन दोनों के अंदर इनका ये न्यूक्लियस है और ये इनका साइटोप्लाज्म है। इसमें भी ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। जैसे ही इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा बन जाते हैं, तो इनके ऊपर पाए जाने वाले जो फ्लैजिला होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो ये बहुत स्मूथ हो, यानी उसके ऊपर हेयर जैसी कोई संरचना ही नहीं हो, या फिर इनके ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। दोनों में चेंजेस है, एक बिल्कुल स्मूथ टाइप के हैं, एक के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जो बिल्कुल स्मूथ टाइप के फ्लैजिला वाले स्पोर होते हैं उनको कहा जाता है विपलेस। और जो रफ टाइप के होते हैं इनको कहते हैं टिनसेल। ये होते हैं विपलेस, ये होते हैं टिनसेल टाइप के फ्लैजिला। तो ये जल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही इस जो फंजाई होती है उनके अंदर स्पोर बनते हैं, उनके ऊपर ये फ्लैजिला बन जाते हैं, और ये इन फ्लैजिला की सहायता से जल में इस तरीके से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पॉइंट जो है वो क्या है याद रखने वाला, कि जो स्पोर टाइप के स्पोर कौन सी फंजाई में पाए जाते हैं, जलीय फंजाई में पाए जाते हैं। जो स्पोर टाइप के जो स्पोर होते हैं उनकी बाहर की जो वॉल होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो विपलेस टाइप के होते हैं या फिर वो टिनसेल टाइप के होते हैं। यदि वो विपलेस टाइप के होते हैं तो उनके ऊपर हेयर एब्सेंट होते हैं, और यदि वो टिनसेल टाइप के होते हैं तो उनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। जब इनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं तो ये आसानी से मूवमेंट करते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर इनका इम्पोर्टेंट, कि जैसे ही ये क्या बन जाते हैं इनके अंदर फ्लैजिला, ये मूव करके दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो इनके फ्लैजिला क्या हो जाते हैं, जब ये जनन करने वाले होते हैं तो इनके फ्लैजिला रिमूव हो जाते हैं। यानी कि फ्लैजिला क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जैसे ये फ्लैजिला गिर गए तो गिरने के बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बन गई, इस तरीके की बन गई, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या क्या है, विदाउट फ्लैजिला स्पोर। अब ये बिना फ्लैजिला वाला जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये कुछ टाइम के लिए क्या करती है, रेस्ट करती है, आराम करती है, विश्राम अवस्था लेती है। विश्राम अवस्था के बाद में ये क्या हो जाते हैं, पुनः गिर जाते हैं। गिरने के बाद में ये गिरे हुए क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म से इस तरीके से साइटोप्लाज्म को अपने आकार में बढ़ाते हैं,
और क्या करते हैं, टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं और क्या बन जाते हैं इनसे, और जो स्पोर बन जाते हैं, जैसे टुकड़ों में तोड़े दूसरे और जो स्पोर बने, अब इनके ऊपर वापस क्या बन जाएगी, फ्लैजिला बन जाएगी, इस तरीके की फ्लैजिला बन जाएगी। तो हम क्या कहते हैं इसको, जो स्पोर द्वारा होने वाला रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं उस टाइम ये जल के अंदर तो रहते ही, इन पे फ्लैजिला बनते हैं, ये फ्लैजिलाएँ जैसे ये जनन करने वाले होते हैं उस टाइम इनकी बॉडी पे से गिर जाती हैं, और गिरने के बाद में ये स्पोर वापस क्या बना लेते हैं, अपने जैसे दूसरे स्पोर बना लेते हैं, और ये फ्लैजिला इनके ऊपर दोबारा क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप का, ए प्लैनोस्पोर। नंबर थर्ड ए सेकेंड ए प्लैनो स्पोर, नाम से पता चल रहा है क्या बन रहे हैं, प्लेन स्पोर बन रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो बेचारे जल में तो हो ही नहीं सकते, इसलिए कैसे स्थान पे पाए जाते हैं, ये थलीय आवास पे पाए जाते हैं। जैसे ये मैंने एक स्पोर बनाया, ये इसका साइटोप्लाज्मा है और न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्मा। ये स्पोर क्या करेगा, अपना अलैंगिक जनन करेगा, अलैंगिक जनन करने के लिए अपने न्यूक्लियस और अपने साइटोप्लाज्मा को इस तरीके से दो टुकड़ों के अंदर विभाजित कर लेगा, और दो टुकड़ों के अंदर विभाजित करके और वापस अपने स्पोर का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो इसे क्या कहते हैं, ए प्लैनोस्पोर, यानी कि स्पोर जो थे उसके ऊपर मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए क्या प्रेजेंट नहीं थे, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए किस पे पाए जाते हैं, थल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। तो इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जो है वो किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा, किसी जंतु द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गमन करते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक कोशिका से यानी कि एक माइसीलियम के एक स्पोर से दूसरे स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ए प्लैनोस्पोर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर थ्री पॉइंट की, जिसमें क्या बनती हैं, स्पोरेंजियम बनती हैं, स्पोरेंजियम बनती हैं, बहुत सारी स्पोरेंजियम बनती हैं, और ये स्पोरेंजिया क्या करती हैं, सेपरेट बन जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पोरेंजिया बनाई है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो इसके अंदर इस एक स्पोरेंजिया में ही छोटी छोटी इस तरीके की क्या बन जाती हैं, बहुत सारी स्पोरेंजिया और बन जाती हैं, इस तरीके से क्या बनने लग जाती है, इसके अंदर और स्पोरेंजिया बनने लग जाती हैं, और जब इसका साइटोप्लाज्मा ख़त्म हो जाता है तो ये सारी स्पोरेंजिया क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो करके, इस तरीके से सेपरेट होती हैं, और क्या कहाँ पहुँच जाती हैं, आगे की ओर आ जाती हैं।